हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द केमिस्ट्री वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड 7th चैप्टर नंबर 3। जैसे ये ऐसे तो चैप्टर नंबर 20 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, दिस इज़ चैप्टर नंबर 3। तो ये हमारा टॉपिक है यहाँ पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीवेज सिस्टम, मतलब जो सीवेज सिस्टम है, अंडरग्राउंड जो पाइपिंग होती है उसके बारे में जानना है, और फिर सीवेज ट्रीटमेंट देखेंगे। जैसे हमारे घर से जो पानी निकला उसे वो ड्रेन ऑफ हो रहा है, उसके बीच में कितने सारे प्रोसेस होते हैं, वो सारा प्रोसेस यहाँ देखना है। सीवेज सिस्टम होता क्या है? द सीवेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स। अंडरग्राउंड पाइप्स होते एक दो नहीं, इसमें नेटवर्क होता, मतलब बहुत सारे होते, डैट ट्रांसफर द सीवेज फ्रॉम द पॉइंट इट इज़ प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट वेयर इट इज़ ट्रीटेड, ठीक है, बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब इसको डिस्पोज करने से पहले, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से कहाँ तक इसका जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस होगा, जहाँ पे इसको ट्रीट किया जाएगा, इसको लेस हार्मफुल बनाया जाएगा, वहाँ तक का प्रोसेस बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, इसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले, इसी को हम कहते हैं सीवेज सिस्टम। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट में कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते। तो इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है, जिससे क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब पानी को लेस हार्मफुल बनाया जाता है, जितने उसमें सॉलिड मटेरियल्स हैं उसे रिमूव किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रोसेस है हमारा स्क्रीनिंग, सेकंड वन इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट, थर्ड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और फोर है डिसइंफेक्शन। तो ये हम एक एक करके अभी बुक में देखेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट प्रोसेस है हमारा स्क्रीनिंग। तो इसमें क्या होता है, द वेस्ट वाटर इज़ फर्स्ट पास्ड थ्रू अ स्क्रीन्स ऑफ वर्टिकल्स बार विच रिमूव लार्ज सॉलिड मटेरियल सच एज प्लास्टिक बैग्स, कैंस एंड स्टिक्स। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनिंग किया जाता, जैसे इसको वर्टिकल बार्स होते हैं जिससे इसको पास कराया जाता है, जो पानी है उसको पास कराते हैं, जिससे उसका क्या होता है, जितने भी सॉलिड मटेरियल है, जो लार्जर सॉलिड मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक बैग्स, कैंस, स्टिक्स, ये सारा कुछ रिमूव हो जाता है। द वाटर इज देन पास्ड थ्रू सेटलिंग टैंक्स नोन एज ग्रीट चैम्बर्स। फिर एक सेटलिंग टैंक आता है जिसमें जितना भी सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, सिल्ट हो गया, ये सारा सेटल डाउन हो जाता नीचे, ग्रीट चैम्बर भी इसको कहा जाता है, और फिर उसे रिमूव किया जाता। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा स्क्रीनिंग का। सेकंड होता है इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट। आफ्टर दिस द वेस्ट वाटर पासेस इनटू अ सेडिमेंटेशन टैंक कॉल्ड अ क्लैरिफायर। इसके बाद वो सेडिमेंटेशन टैंक में पास किया जाता है, जिसको हम क्लैरिफायर बोलते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, वही सेटल डाउन हो जाता जो सॉलिड मटेरियल, इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल सेटल डाउन एंड आर रिमूव्ड विथ अ स्क्रैपर। इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और फिर उसको स्क्रैपर के थ्रू रिमूव कर दिया जाता। दिस इज़ कॉल्ड स्लज। फ्लोटिंग मटेरियल्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड स्कीमर। और जो फ्लोटिंग मटेरियल है, जैसे ऑयल वगैरह जो फ्लोट कर रहा होता है, ये सारे तो सेटल डाउन हो रहे हैं तो आसानी से रिमूव हो गए, लेकिन जो फ्लोटिंग मटेरियल है उसको हम स्कीमर के थ्रू रिमूव करते। द वाटर डैट इमर्जेस फ्रॉम द सेटलिंग टैंक इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। और सेटलिंग टैंक में से जो वाटर ऊपर आता है उसको हम कहते हैं क्लैरिफाइड वाटर। This sludge is used to obtain methane, carbon dioxide and a humus-like material by a process called digestion. It consists of decomposing the sludge with the help of anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria किसको कहा जाता है, जो bacteria oxygen के absence में grow करते हैं, ठीक है, मतलब अगर उसको oxygen मिले तो वो grow नहीं करेगा, वो aerobic होता है। लेकिन anaerobic क्या होता है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करेगा। ड्राइड स्लज कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। और फिर ये जो स्लज बना हमारा, जो स्लज प्रिपेयर हुआ, वो सूखने के बाद फर्टिलाइज़र का काम करता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारा नेक्स्ट एयर इज़ पम्प्ड थ्रू द क्लैरिफाइड वाटर इन एन एरेशन टैंक। एरेशन टैंक के थ्रू अब इसको हम पास कराएंगे, जो क्लैरिफाइड वाटर हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट में निकल के आया उसको हम एरेशन टैंक के थ्रू पास कराएंगे। दिस अलाउज एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो एंड कंज्यूम ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट सच एज फीसेस, फूड वेस्ट एंड सोप स्टिल लेफ्ट इन द वाटर।
इसके बाद इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को डाला जाता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करता, ग्रो करता। उससे क्या होता है, जितना भी फीसेस है, मतलब जो बेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी का, फूड वेस्ट है एंड सोप जो वाटर में रह गया था, द बैक्टीरिया अल्टीमेटली सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ सेटलिंग टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। इसके बॉटम में बैक्टीरिया जाके सेटल डाउन हो जाता है, जो एक्टिवेटेड स्लज के नाम से जाना जाता। दे आर देन पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू बी रीयूज्ड, और उसके बाद उसे रीयूज़ करने के लिए वो वापस से एरेशन टैंक में उसको डालेंगे। इसमें भी जो ड्राइड स्लज है वो मैन्योर का काम करेगा। द ट्रीटेड वाटर नाउ कंटेन्स लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो अब जो इसमें ट्रीटेड वाटर है उसमें बहुत ही कम मात्रा में है क्या, ऑर्गेनिक मैटर और इम्प्योरिटीज़, मतलब वो थोड़ा बहुत प्योर हो चुका है। डिसइन्फेक्शन लास्टली स्टेप है डिसइन्फेक्शन, जिसमें क्लोरीन को ऐड किया जाता है। क्लोरीनेशन आपको पता है ना, द क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर, द वाटर इज देन डिसइन्फेक्टेड बाई एडिंग क्लोरीन टू इट और बाई एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा बॉयलर प्रेस, या फिर अल्ट्रा बॉयलर प्रेस में एक्सपोज करके जितने भी जो लेफ्ट जैसे इम्प्योरिटीज होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनका भी डेथ हो जाएगा इससे। दिस किल्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स, द वाटर कैन नाउ बी रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडी सच एज रिवर, लेक एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पज। तो अब जो पानी है, मतलब जो प्योर हो चुका है, ऐसा नहीं कि आप उसे ड्रिंक करोगे, लेकिन वो लेस इम्प्योरिटी जिसमें प्रेजेंट है उसको अब हम गोबर में या फिर किसी भी वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसके बाद है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। तो इसमें कुछ स्टेप्स ये हैं जो आपको ध्यान में रखना है। Do not dispose of cooking oils and fat in the kitchen sink. Kitchen का जो सिंक है उसमें cooking oils और fat को dispose नहीं करना चाहिए। They can block pipes. इससे पाइप का ब्लॉकेज भी हो जाता है, पानी सही तरीके से नहीं जाता है, उसको डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। Do not dispose of used tea leaves. जो चाय पत्ती होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, इसको भी नहीं dispose करना चाहिए किचन सिंक में या फिर टॉयलेट में, क्योंकि टॉयलेट से क्या होता है, जाम हो जाता है उससे और फिर वो ओवरफ्लो हो जाता है। They clog drains and prevent the free flow of oxygen that interfere with the decomposition process. वो clogging करता, मतलब block कर देता, और जो bacteria उसे disinfect कर रहे हैं, जो decompose कर रहे हैं, उसको वो उसका काम सही से करने नहीं देता है। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट हो गया, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Children be safe.